ट्रैफिक मिल गया हम लोगों को नहीं, कम से कम 400-500 गाड़ियां इसमें फंसी होंगी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सत श्री अकाल। तो कैसा होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी सुबह के बज गए हैं 11:30 और आज हम थोड़ा लेट उठे हैं सो के, और अब मैं नाश्ता करके रेडी हुए और मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त साकेत है, आप लोग तो जानते होंगे उसको, सो उसको जाना है पांडे बाजार, कुछ काम है तो वो अभी आ रहा है, मैं तो तैयार हो चुका हूँ। उसने मेरे पास कॉल भी किया था कि भाई आओ चलो चलते हैं, तो मैं तैयार हो गया हूँ, वो अभी आ रहा है मुझे लेने के लिए। सो गाइस चलिए मिलता हूँ, और हाँ रुके मैं आप लोगों को जूली को दिखाता हूँ। सो भाई ये अपना घर धुला जा रहा है, और ये देखिए जूली कहाँ, जूली उधर बैठी है, नीचे नहीं आ रही कि कोई इसको नहला ना दे। अच्छा अच्छा, जूली नहीं नहलाएंगे, आ जा। ये देखिए गाइस, ये आज का घर में आ चुकी है, घर में आके तखत के नीचे छुप गई कि कोई इसको नहला ना दे। आओ नहलाएंगे, इधर आओ, चलो आओ नहाना तुमको जूली, आओ इधर आओ, आओ अभी देखिए किस तरह आएगी। अच्छा जूली, अच्छा नहीं नहलाएंगे, आओ आओ। सो गाइस जूली तो अपनी तखत के नीचे छुप गई है, और वो नहाने से डरती है काफ़ी, क्या होता बहुत डरती है नहाने से, पहले इतनी जिम्मी भी नहाने से डरती थी, अगर अब नहीं है वो गर्मी उर्मी में जिम्मी काफ़ी अच्छे से नहाती है, मगर जूली गर्मी में भी नहीं नहाती है, ज़बरदस्ती उसको नहलाना पड़ता है। सो चलिए, जूली तो निकलेगी नहीं बाहर जब तक घर की सफाई चलेगी। सो गाइस चलिए, फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ साकेत के साथ, साकेत आता है फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस फिलहाल साकेत आ चुका है, और अब हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी बाजार, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसी को कुछ काम है, मुझे तो नहीं है मगर इसी को कुछ काम है, कुछ पैसा वैसा देना है किसी को। सो गाइस चलिए, मैं फिर लास्ट में बोला वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। Few moments later. So guys, फिलहाल हम लोग यहाँ आए हुए थे, तो रास्ते में आज हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे, हाईवे से नहीं जा रहे थे, तो यहाँ रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिल गया हम लोगों को, रेलवे क्रॉसिंग पड़ा था, भाई साहब इतनी ट्रैफिक क्या बना, मतलब कैसा लग रहा भाई ये ट्रैफिक में फंस गए, सही बता रहा जिंदगी झंड हो गई जैसे भाई, बहुत लंबी ट्रैफिक है, मतलब कम से कम 400-500 गाड़ियाँ इसमें फंसी होंगी, सिर्फ बाइक 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 ऑटो बाइक ऑटो बाइक। सो गाइस चलिए, फिर फिलहाल मैं वहाँ पहुँच के आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई साहब आखिरकार हम लोग ट्रैफिक से निकल गए हैं, ट्रैफिक में हम लोग तकरीबन 1 घंटे फंसे थे ना, तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग ट्रैफिक में ही फंसे थे, मतलब फिर पांडे बाजार में हमेशा जो क्रॉसिंग लग जाती है, इस वजह से काफ़ी ट्रैफिक होती है, रेलवे स्टेशन जस्ट क्रॉसिंग के बगल में ही है, यहाँ अक्सर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, इससे काफ़ी क्रॉसिंग हमेशा लगता है भाई, बहुत तगड़ी वाली ट्रैफिक थी क्या बताएं। इसी तरह निकल गए हैं, वो जा रहे हैं शॉप पे जहाँ हमको पैसा देना है, और भाई अपना साकेत भाई गाड़ी चला रहा है, और ये नियमों का काफ़ी पालन करता है, हेलमेट वेलमेट लगा के गाड़ी चलाता, नहीं सही है भाई चलाना भी चाहिए। बस हम लोग अपने डेस्टिनेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर और हैं। सो गाइस आखिरकार हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। 5 minutes later. हाँ गाइस, हम लोग इस बार दूसरे रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि अब हिम्मत नहीं हो रही है कि उस रास्ते से जाए, ये हम लोग हाईवे से जा रहे हैं इस बार, नहीं एकदम अच्छा ये तो फिर से अगर उधर से चल रहा हो नहीं नहीं जा पाएंगे भाई, एकदम नहीं हिम्मत हो रही, काफी काफी 1 घंटे तक, मतलब अपनी डेस्टिनेशन से 2 किलोमीटर पर एक क्रॉसिंग पड़ता है, और वहीं पर हम लोग फंसे हुए थे तकरीबन 1 घंटे तक फंसे थे। A few moments later. तो भाई साहब मैं अब घर आ चुका हूँ, और घूमते घूमते हम लोगों को 3 बज गए हैं, सो मैं जा रहा हूँ खाना वाना खाऊंगा, बिकॉज बहुत तेज लगी है भूख, क्योंकि सुबह मैं लेट में उठा था, उसके बाद मैंने केवल ब्रेकफास्ट में चाय और पार्ले जी बिस्किट खाया था, उसके अलावा कुछ नहीं। सो भाई चलिए, फिर खाना वाना खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई साहब मैंने खाना वाना खा चुका है, और अब 2:00 PM बज चुके हैं, और हाँ अभी आयुष ने मेरे पास किया था कॉल, और आयुष ने मुझे बुलाया है क्योंकि वो गया था गांव पे, उसके गांव पे कुछ शादी वादी थी, तो वो आज आया बस्ती, तो वो मिलने के लिए बुलाया है। सो भाई चलिए, मैं चल रहा हूँ आयुष के पास, फिर आयुष के पास पहुँच के फिर मैं आप लोगों से मैं मिलता हूँ। सो भाई मैं आयुष को लेकर निकल चुका हूँ, आयुष रोहता पे मिल गया था, रोहता पे इसको मैंने बुला लिया था, रोहता पे आया था, और हम आप लोगों को तो पता ही मेरी स्प्लेंडर है नहीं, स्प्लेंडर तो पापा ले गए हैं, तो इसलिए हम हिमालयन से ही आए थे। सो आयुष तो शादी में गया था भाई, एंजॉय करके आया, क्यों आयुष? हाँ भाई सही है सही है। सो भाई अभी तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ छोटू के यहाँ, आयुष क्योंकि चाय पिला रहा है,
ये देखिए ऐसे बीच में खड़ा कर देते हैं ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग एकदम परेशान करके रख देते हैं। चलिए कोई नहीं, फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं, आयुष दरअसल बोला है चाय पिलाने के लिए, मैं चलो पिला दो भाई, चाय पीने के लिए तो मैं हमेशा ही तैयार रहता हूँ। तो भाई हम लोग यहाँ आ चुके हैं चाय पीने के लिए, और आयुष भी आ गया, ये आयुष आज चाय पिलाएगा, ये तो चाय पिलाओगे कुछ खिलाओगे भी भाई, यार हो बताइए पक्का ऑर्डर करें, देखते हैं बोला है। सब जितने भी दोस्त हैं भाई सब वीडियो में बोलते जो खाना खा लो, मगर वीडियो बंद होते भैया पैसा नहीं है, कंगाली सबको आ जाता है फिर। नहीं भाई कितना चाहिए बताओ, कुछ नहीं। सो भाई चलिए फिर चाय में पीने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। सो भाई आयुष ने मंगाया बन मक्खन और चाय, आखिरकार इसने ज्यादा, इसने क्या बोला था जो मन वो खा लो, मगर इसने भाई हम ये नहीं खाएंगे, हम नूडल्स खाएंगे, नहीं चलो ठीक है, मगर आयुष ने यही खिलाया बहुत है। सो भाई यहाँ पे अपना खाना पीना हो चुका है, और ये देखिए आयुष जैसे हर बार लगा रहता है फोन, तो वैसे लगा पड़ा है, कहाँ लगा है भाई, अरे बतिया लो कोई नहीं, बतिया लो बतिया लो, चलो कोई नहीं, क्या बात कर रही है, चलो कोई नहीं, इसको इसको डिस्टर्ब नहीं करते। सो भाई चलिए फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर, फिर आप लोगों से मैं घर पहुँच के मिलता हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं आयुष को छोड़ा, फिर मुझे साकेत मिल गया, मतलब वहीं पर उसका रूम भी है साकेत का, उसने बोला भाई चलो पक्के घूम आते हैं, तो मैं आ गया हूँ साकेत के साथ पक्के घूमने के लिए। तो भाई साहब हो चुका है रात, और हम आए थे सौरभ के पास क्योंकि सौरभ की छुट्टी हुई है, सौरभ के साथ जा रहे हैं हम कहीं घूमने घूमने के लिए। सो गाइस अब तो इतने टाइम में जाना नहीं, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ जो चैनल पर नए हो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी कोई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। सो गाइस मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।